शासन में आग लगी है, राशन में बाबा तेरे शासन में आग लगी है, राशन में। जनजातीय क्षेत्र भरमौर में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, किसान बागवान एवं समग्र समाज के उत्पीड़न करने पर प्रदेश व केंद्र सरकार की भाजपा सरकार के खिलाफ पदयात्रा निकाली गई। ददवा से पट्टी तक निकाली गई इस पदयात्रा में प्रदेश कांग्रेस कमेटी सचिव अमित भरमौरी विशेष रूप से उपस्थित रहे। अमित भरमौरी की अगुवाई में पदयात्रा करके भरमौर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने देश व प्रदेश की भाजपा सरकारों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। बहुत आभार सर प्रथम, क्योंकि पिछले कल ही हमने व्हाट्सएप के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से ये मैसेज फ्लोट किया था कि आज जो है इस तरह की एक पदयात्रा जो है कांग्रेस पार्टी बढ़ती महंगाई के खिलाफ, बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, अराजकता के खिलाफ, सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ इस तरह का एक कार्यक्रम जो है कांग्रेस पार्टी की प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा जो आह्वान किया गया है और पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर अलग अलग डेट्स पे जो है ये पदयात्रा निकाली गई और निकाली जाएगी। और इसी कड़ी में आज जो है हमने ये पदयात्रा जो है ददमा सेल्फी पॉइंट से लेकर पट्टी मिनी सचिवालय तक ये रैली का आयोजन किया और आप लोगों का बहुत आभार, दिल की गहराइयों से आभार कि आप सभी लोगों ने अपना कामकाज छोड़ करके इस रैली में आज भाग लिया, इस धरना प्रदर्शन में आज भाग लिया। बहुत ही सम्मान योग्य हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री भजन सिंह ठाकुर जी, गुस्ताखी माफ, पहले रमेश राव जी, हमारे पांगी भरमौर विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी हैं, मेरे सहयोगी हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सचिव हैं श्री भजन सिंह ठाकुर जी, हमारे सम्माननीय ब्लॉक के अध्यक्ष श्री सुरेश जी जो कि हमारे संयोजक हैं किसान कांग्रेस के हिमाचल प्रदेश के, श्री कमलेश जी जो कि जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री हैं, श्री अशोक जी जो कि हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं और आज की इस कार्यक्रम में शामिल मेरे सभी कांग्रेस पार्टी की ग्रीम कार्यकर्ता, चाहे युवा कांग्रेस के हैं, चाहे NSUI के हैं, चाहे सेवा दल के हैं और विभिन्न PRIs के भी जो सदस्यगण हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज देश के अंदर बेरोजगारी का क्या आलम है, महंगाई का क्या आलम है, पेट्रोल और डीजल की कीमतों का क्या आलम है, खाने के तेल का क्या आलम है, गैस के सिलेंडर का क्या आलम है और इन दमनकारी नीतियों से परेशान होकर के आज कांग्रेस पार्टी द्वारा इस धरने प्रदर्शन का आयोजन किया गया और ये भविष्य के लिए एक संकेत आज कांग्रेस पार्टी ने दिया है कि अगर केंद्र की सरकार और हिमाचल प्रदेश की सरकार, जिसको कि हम डबल इंजन की सरकार कहते हैं, ये सरकारें होश में ना आई तो ये आंदोलन जो है जारी रहेगा और तब तक जारी रहेगा जब तक कि सरकार को हम जड़ से उखाड़ के फेंक नहीं देते। तू ये सब जान दे और तुझको बधाई देना चंदा, पिच्छू 3 विधानसभा के उपचुनाव हुए। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए भरमौर से विनोद ठाकुर। हिमालयन ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस लगातार 19 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में बुलंदियों को छू रहा है। प्रशिक्षित अध्यापकों और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बलबूते यह संस्थान अभिभावकों व विद्यार्थियों की पहली पसंद बन गया है। संस्थान AICTE, PCI, BCI से मान्यता प्राप्त विषयों में शिक्षा प्रदान कर रहा है। संस्थान ICO 9001 द्वारा प्रमाणित है, साथ ही 5-स्टार एक्रेडिटेड स्किल सेंटर के माध्यम से विद्यार्थियों को रोजगार के लिए भी तैयार कर रहा है। संस्थान के चेयरमैन रजनीश बंसल व निदेशक विकास बंसल ने बताया कि संस्थान BTEC, LLB, BA, BCA, BBA, MBA, GNM, BSc नर्सिंग, B Pharma, D Pharma, M Pharma, JBT, BEd आदि विषयों में शिक्षा प्रदान कर रहा है। संस्थान में सभी विषयों के लिए अत्याधुनिक लैब और संसाधनों की व्यवस्था की गई है। संस्थान द्वारा डिप्लोमा व डिग्री कोर्स पूरा होने के बाद कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से विद्यार्थियों को रोजगार भी उपलब्ध कराया जा रहा है। SC ST OBC श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए सरकार द्वारा दी जा रही छात्रवृत्ति व अन्य सुविधाएं भी यहां उपलब्ध हैं। सभी विषयों में रजिस्ट्रेशन व दाखिले हेतु आज ही संस्थान में आएं या वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अपनी सीट सुरक्षित करें।